और अभी जानिए कि पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। केस की समाअत जस्टिस एजाज खान ने की है। तफसीलात जानेंगे अजमत गुल से। अजमत बताइएगा, फैसला महफूज कर लिया गया है? जी बिल्कुल, ये पीटीआई को इंटर पार्टी इलेक्शन के इंतहाई निशान के हवाले से इलेक्शन कमीशन के दरख्वास्त पर अब जो समाअत हुई, जिसमें समाअत जस्टिस जहसान कर रहे थे, आर्टिकल 19 के मुताबिक हाई कोर्ट सिर्फ सुबह के मुताबिक फैसला कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का वकील का इस हवाले से कहना है, इलेक्शन कमीशन एक बाख्तियार इदारा है, जबकि इलेक्शन कमीशन को अपने फैसले करने का भी इख्तियार है। उन्होंने जो रिलीफ दिया है वो पूरा फैसला इसके बाद कुछ नहीं कह सकते, नहीं बचा। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन को सुनने के बाद बगैर ऐसा फैसला नहीं दिया जा सकता। अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल के को भी सुना है, जो कि सूबाई वबा की हुकूमत का नुमाइंदे है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा है, पीटीआई ने लाहौर हाईकोर्ट में भी दरख्वास्त दायर की है, लेकिन इस हवाले से एक बार एक ही अदालत को मुंतखब किया जा सकता है, दूसरी अदालत में नहीं जा सकता। इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपने दलील मुकम्मल की है, जिसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया है और अब से कुछ देर बाद यह फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया अजमत गुल्ला, आपने तफसीलात से आगाह किया।